प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो सरकार नौकरियों की फर्जी आंकड़े देने में बयान भी आदित्यनाथ जी की सरकार नौकरियों के फर्जी आंकड़े देने में मिल्खा सिंह से भी दौड़ रही समय पूरे प्रदेश में। आज सुबह सुबह अखबार की एक खबरों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को चौंका दिया। इस खबर में है कि मार्च तक 25,000 और नई भर्ती आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की करने जा रहे हैं। सच्चाई आप सबके सामने है कि आए दिन हर रोज एक नए इश्तिहारों के जरिए अखबारों के माध्यम से चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं आदित्यनाथ जी। और इस अखबार में जो सच्चाई दी गई इसको देखिए, इसमें लिखा गया है कि पुलिस विभाग में मात्र 16,629 अभी प्रक्रिया भर्ती होनी है, बाकी सारी भर्तियां हो चुकी है। जबकि सच्चाई है कि लगभग 34,000 नौजवानों का अभी तक मेडिकल नहीं हो पाया है, 49,568 जो नियुक्ति निकली थी। दूसरी बात आप देख लीजिए, इसमें लिखा गया है यूपी SSC में मात्र 5,000 ऐसे पद है जो प्रक्रियाधीन है। जबकि सच्चाई है कि 2017 से 2020 तक 12 पदों के लिए आदित्यनाथ जी ने 11,000 एक तरीके से भर्तियां निकाली थी, 51,00,000 नौजवानों ने उसमें आवेदन किया था, 1,020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाल दिए थे और अभी तक वो नौजवान दरदर भटक रहा है। तो आदित्यनाथ जी ये जो लगातार आप इस तरीके से इश्तिहार निकाल के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आखिर इस नौजवान ने आपका क्या बिगाड़ा? इसने तो बड़ी उम्मीद से आपको 2017 की सत्ता में बैठाया था, अपने कंधे में बिठा के आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो नौजवान समझ चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करने वाले और अखबारों में इश्तिहार देने वाले मुख्यमंत्री हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान 2000